झारखंड में अब साइबर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। देवघर पुलिस ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस को खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे साइबर अपराधियों को धर दबोचा जाए। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अपनी टीम को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण में जहां पुलिस को अपराधियों के सुराग ढूंढकर दबोचने की तैयारी की गई है, वहीं जाने अनजाने में जो युवक भटककर साइबर अपराध के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी इस मायाजाल से बाहर निकाला जा सकेगा। पुलिस की तरफ से अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नजर रखने की हिदायत दी जा रही है, जिससे उनके बच्चे इस तरह के अपराध में शामिल ना हो सके। इन्वेस्टिगेशन करना है और कैसे हम लोग प्रोसिक्यूशन से मंजूर हो, इसके लिए सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि डायरी कैसे लिखें, सीजर कैसे बनाएं, एक्ट का सही धारा को कैसे कैसे इस्तेमाल करें, कोई भी एविडेंस कैसे कलेक्ट किए, इसी सब बातों को सभी को समझाया गया है, इसके दिशा निर्देश दिया गया है। सीधा सीधा जो लालच है, लालच में नहीं पड़ें और छोटे मोटे जो लोग देखे उनके चक्कर में नहीं पड़ें और जल्द पैसा कमाने की कोशिश नहीं करें। इसमें अनावश्यक रूप से युवा पीढ़ी जो है इस पर जो है उसको स्वीकारें, वास्तविकता स्वीकारें, वास्तविकता पर हट के छद्म जीवन नहीं जिए। उनके अभिभावक के लिए कोई संदेश? अभिभावक के लिए यह है कि अपने बच्चों को देखें कि कहीं इसमें इधर गलत जगहों पर नहीं जाएं, गलत लोगों से संगत नहीं करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, मोबाइल से जो ज़रूरत है इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन तक ही इसका मोबाइल यूज़ करें, अन्य कार्यों में मोबाइल का यूज़ करें। थैंक यू।